नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिजाइनर क्रिएशन से भूपेश कुमार शर्मा। आपके लिए आज फोटोशॉप CS6 का दूसरा भाग लेके आया हूँ। इसमें उम्मीद करता हूँ आपने मेरा पहला ट्यूटोरियल देखा होगा, उसमें मैंने फोटोशॉप के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं टूल बॉक्स से। टूल बॉक्स में सबसे पहले आ जाते हैं हम सबसे बॉटम में। बॉटम में लेफ्ट साइड पे जो आपको दिख रहा है ये तीन, इसमें ये स्क्रीन मोड्स हैं। इसमें स्क्रीन फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन मोड विद मेनू बार है, फुल स्क्रीन है जिसमें सिर्फ इमेज दिखाई देगी बाकी सब हाइड हो जाएगा। स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड जो अभी एक्टिवेटेड है, ये आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। इसका क्या फंक्शन है, ये कैसे काम करेगा अभी मैं बताता हूँ। जैसे हम कोई भी नई फाइल ओपन बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, तो मैंने पिक्सल वगैरह के बारे में बताया था पिछले ट्यूटोरियल में, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख सकता। तो हम एक साइज बना लेते हैं इसका, ये एक साइज बनाया मैंने। इसमें कैनवास ओपन हो गया, तो डॉक्यूमेंट इसमें अब आपको स्क्रीन मोड के बारे में बताता हूँ। पहले इसमें स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है जो अभी एक्टिवेटेड है। इसमें मेनू बार्स भी हैं, टूल बॉक्स भी हैं और लेयर्स भी इधर दिखाई दे रही है। और अगर इसमें हम फुल स्क्रीन मोड विद मेनू बार कर देते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ हिस्सा इसका गायब हो गया। दोबारा दिखा रहा हूँ मैं, अगर आपको नहीं पता चला तो। स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, इसमें ये टैब गायब हो गया था इसका पूरे का पूरा। दोबारा आप देख लीजिए इसको एक बार, फुल स्क्रीन मोड विद मेनू बार। तो इसमें काफ़ी हिस्सा आपको काम करने के लिए मिल जाता है, आप इसको जूम करके काम कर सकते हैं। पर इसमें अभी भी लेयर्स और बाकी के टूल बार्स अवेलेबल हैं स्क्रीन के अंदर। अगर हम और भी स्पेस चाहते हैं काम करने के लिए, तो इसमें हम फुल स्क्रीन मोड अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ अगर आपको शॉर्टकट टूल याद है फोटोशॉप के और आप अच्छी तरह आपको मेमोराइज है इसकी कमांड्स, तो आप इस मोड में आके भी इजीली काम कर सकते हो। इसमें आप फोटोग्राफी, एनहांसमेंट, कटिंग टूल जो भी करना वो आप कर सकते हो। तकरीबन जब भी आप फोटो स्टूडियो वगैरह में जाते होंगे तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसी मोड में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। और ये सिर्फ व्यू पर्पस के लिए है, इसका प्रिंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसके ये हमारे सिर्फ देखने के तरीके के लिए है कि हमें काम करना आसान हो जाए। तो इससे आउटपुट क्या निकलेगी क्या, वो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं, तो साइज वही रहेगा जो आपने एक बार कैनवास का डिफाइन किया हुआ। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पहले मूव टूल से। तो पहले हम इसमें बना लेते हैं कुछ, इसमें डिज़ाइन वगैरह। इसमें कलर फिल कर लेता हूँ कैनवास के अंदर। मैंने कलर अभी यहाँ से चूज कर लूँ, इसमें फिल कमांड में गए, फोरग्राउंड कलर, जो फोरग्राउंड कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही कलर इसमें अप्लाई होगा। 100% ओपेसिटी, इसका मतलब है कि डार्क सॉलिड कलर आएगा। अगर मैं 50% इसको रख दूंगा तो कलर भी दिखाई देगा और पीछे जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं वो भी दिखाई देंगे। इस तरीके से ट्रांसपेरेंट सा आएगा हल्का सा। और अगर हम उसमें सॉलिड कर देते हैं तो ये स्क्रीन को पूरी तरह ग्रीन कर देगा, जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस कलर से फिल कर देगा। और इसमें हम बना लेते हैं जैसे ये, इसमें भी कलर फिल कर देता हूँ मैं नई लेयर में। ये कलर फिल कर दिए इसमें, और एक और शेप में इसमें बना लेता हूँ। कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ इसका, कलर इसका यहीं से चेंज होगा। ट्रांसपेरेंसी, तो इसमें ये दो तीन अभी मैंने ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट कर लिए।
तो पहले मैं बताता हूँ कि मूव टूल का क्या फंक्शन है। मूव टूल हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को इधर से उधर मूव करने के लिए। तो इसको इसका फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि आपने जहाँ पे भी इसकी मूवमेंट करनी है तो वो आप इससे इजीली कर सकते हो। जो भी लेयर सिलेक्टेड होगी, सिलेक्टेड मतलब इसमें ये इस तरीके की ब्लू कलर की जो रेंज दिखाई दे रही है, ये अगर आ रही है तो इसका मतलब ये लेयर सिलेक्टेड है। और इसमें आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि जब इसमें चारों तरफ बॉक्सेस आ रहे हैं बने हुए, और ये इससे दिखा रहा है कि ये लेयर सिलेक्टेड है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस पर भी बॉक्सेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और ये लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। तो आप सिलेक्शन डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हो और इसको यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो। कोई भी करोगे तो वो सिलेक्शन यहाँ पे शो करेगा कि कौन सी हो रही है। और ये बॉक्सेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल एक्टिवेट किया हुआ। अगर हम इसको एक्टिवेट नहीं रखेंगे तो हमें जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये बॉक्सेस नहीं दिखाई देंगे, तो इससे हमें पता नहीं चलता कि ये सिलेक्ट है कि नहीं। वो सिर्फ यहीं से पता चलेगा कि ये सिलेक्टेड दिखा रहा है तो एक्टिवेट है, अगर ये सिलेक्टेड दिखा रहा है तो ये एक्टिवेट है। अगर हम इसको एक्टिवेट रखेंगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर भी पता चलता रहेगा कि कौन सी लेयर हमारी सिलेक्ट हुई है। तो मूव टूल का जो काम है वो सिर्फ इतना ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना।